आ जाओ दोस्तों, बहुत दिनों बाद यार वीडियो बनाया नहीं, तो आज मैंने सोचा कुछ फनी वीडियो बना ली रहा है। ऑटो पायलट सिस्टम है ही टेस्ला में, आज मैंने अपनी बेटी से कहा कि ऐसा कर चल आज ऑटो पायलट चलते हैं, देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। हालांकि डर लगता है यार बहुत ना, कि आप खुद गाड़ी चला के ले जाते हो और फिर वो ऑटो चले गाड़ी, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो चलते हैं आज देखते हैं। तो आज ऑटो पायलट पर स्टोर आया हूँ, देखना आपको शायद मजा आएगा, कुछ एक नया अनुभव होगा जैसे मेरे को हुआ नया अनुभव, बार बार हाथ स्टेरिंग पे आ जाता है। लेकिन लेट्स सी, चलो आओ देखते हैं कैसे ऑटो पायलट वर्क करता है, आ जाओ फिर। सबसे पहले तो ये है कि आपको नेविगेशन में एड्रेस को डालना होता है और उसके बाद ऑटो पायलट सेलेक्ट किया आपने, फिर आपका कंट्रोल गाड़ी पे से ख़त्म। ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग कुछ नहीं, बस आप बैठे रहो, गाड़ी आपको ऑटोमेटिक सब जगह लेके जाएगी। देखना भी आप लोग, टेस्ला कंपनी की तरफ से ये एडवाइजेबल है कि आपको ऑटो पायलट के समय भी अपना हाथ स्टीयरिंग के ऊपर रखना चाहिए, अदरवाइज जैसी स्पीड जो है वो 30 को क्रॉस करेगी, स्क्रीन जो होगी वो ब्लू हो जाएगी और बीप करने लग जाएगी। इसका मतलब है कि आपको हाथ अपना स्टीयरिंग के ऊपर रखना है। मैं जा रहा हूँ इस वक्त स्टोर काम पर, और आप ये देखना कि एक दो बार बीच बीच में स्क्रीन जो है वो ब्लू होती है और बीप करती है, जो ये इंडिकेटर होता है कि आपको हाथ अपना स्टीयरिंग पर रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको ऑटो पायलट मोड में भी अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखना है और अलर्ट तो होना ही है क्योंकि ऑटो पायलट ही है ना। तो कुल मिलाकर 2-3 बार मैं गया स्टोर, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ ऑटो पायलट का वो बिल्कुल मतलब बेकार है एक तरीके से। एक तो आपको हर समय डर लगता रहता है क्योंकि आपका हाथ स्टीयरिंग पे नहीं है। 1000 feet, turn left onto northeast 117th Avenue. आपकी गाड़ी ऑटो पायलट मोड में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेफिक्र होकर बैठ जाओ, मतलब आपको उसके बाद भी हर समय बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर बैठना पड़ता है। और टेस्ला में जो है वो ये एक ऑप्शन है कि आप चाहो तो आप ऑटो पायलट मोड ले सकते हो, तो हम ट्राई कर रहे हैं, एक दो बार ट्राई किया है इसको। मेरा जो अपना अनुभव था वो ये था कि जब ऑटो पायलट मोड में गाड़ी चल रही होती है उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उल्टे दुगनी हो जाती है, तो इससे बेहतर होता है भैया खुद ही चलाओ गाड़ी, जब आपको इतना चौकन्ना बैठना है तो फिर ऑटो पायलट मोड में क्यों चलाओ गाड़ी। ये तो बस एक एक्सपीरियंस के लिए ऑटो पायलट मोड लगाया था, मैंने देखा था कि क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरा तो निष्कर्ष ये निकला है कि बेहतर है कि आप खुद ही चलाओ गाड़ी बजाय ऑटो पायलट के। ऑटो पायलट को लेकर मेरा अपना अनुभव कोई खास नहीं रहा और हम तो पसंद नहीं करेंगे इसको लेना, बाकी आपकी मर्जी है, जब आप टेस्ला लो और ऑटो पायलट का उसमें ऑप्शन हो तो देख लेना। Now turn left. Now your destination is on the left.